आज मैं आपको स्वेटर के लिए फंदे फंदे डालना बताने जा रही हूँ इसके लिए एक नोट बनाए नोट बनाने के बाद इसमें स्लाइड डालें और दूसरी उंगली पे धागे को इस तरीके से लपेटें फिर उसमें स्लाइड डालें और धागे के दूसरे सिरे से इस तरह से बुनते हुए निकाल लें देखिए ये डल गया एक फंदा इसी तरीके से हमें डालते चले जाना बार बार करते हुए यही रिपीट करते हुए जितने फंदे आपको डालने हैं डाल लेंगे बहुत लोगों को स्वेटर बुनने तो आता है लेकिन फंदे डाल नहीं पाते हैं इसलिए मैं आज आपको फंदे डालना बता रही हूँ जिससे आप बुनाई तो करेंगे ही फंदे भी खुद से डाल सकेंगे अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके और मुझे बताएं। अब मैं आपको दूसरे तरीके से फंदे डालना बता रही हूँ इसके लिए नीचे की तरफ आपको जितने फंदे लेने हैं उसके हिसाब से नीचे वाले धागे की लंबाई रखी जाती है डबल तो आपको करना ही करना है आपकी मर्जी तीन चार जो भी है कर सकते इसके लिए हमें ये देखिए इस तरीके से एक बार में दो फंदे बन जाएंगे ये रहे दो फंदे एक बार में। और फिर इसमें इसमें हर फंदे इसी तरह से बनेंगे ये देखिए पहले इधर डालना इधर ध्यान से देखिए पहले नीचे डालना है फिर ये एक धागा जो है वहाँ फिर इसमें से निकाल देना है अब मैं आपको जिगजैग वाले पंदे डालना बताने जा रही हूँ ये बन ये फंदे जिगजैग करके आते हैं ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों के स्वेटर पे डालने में सुंदर लगता है इसके लिए ये दो राउंड धागा लिया गया फिर ये तीसरी बार और ये चार चौथी बार चार राउंड ले लेना है फिर यहाँ पे नॉट लगाना है इस तरीके से नोट लगा देंगे ये मोटा वाला धागा नीचे रखना है ये ऐसे लाए फिर इधर से फिर ये ऊपर से कर एक बार इस तरह से करना है दूसरी बार आपको ये ध्यान देना है पिछली बार हमने ऐसे इस तरह से लाया गया था इस बार इधर से लेके तब इधर से लेना है ये इस तरीके से दो तीन बार देखेंगे तो आपे, आपको ऐसे लाना है फिर ये ऊपर वाला इधर से आएगा एक बार इस तरीके से फिर दूसरी बार हमें कैसे जाना है दूसरी बार ये इसके नीचे से जाना है ठीक फिर इस तरह से कैसे ये दो दो का पेयर बनेगा तो पहला पेयर तो इस तरीके लाना है ऐसे देखिए इधर से लेना है फिर ये दूसरा ऐसे आगे इसका ये पहला इस तरह लेना है दूसरा लेना है ये दो है यहां से लेना है ये इधर से नहीं लेना है पहला इधर से लेना है दूसरा इस इसके नीचे से लेना है और ये इस तरीके ये देखिए कैसे झिकझक आ रहा है ये देखिए ये फंदे डलने के बाद इस तरह से जिग झक करके आते हैं